कक्षा द्वादश, इसमें टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। उस टॉपिक के तहत दो चीजें आपको अध्ययन करनी है, एक तो आंकड़ों का वर्गीकरण और दूसरा है आंकड़ों का सारणीय। वर्गीकरण और सारणीय, वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण तथ्यों को या आंकड़ों को उनकी समानता के अनुसार, समानता के अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित करना, ये आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण जो हमारे पास समंक होते हैं, जो डाटा होता है उसमें जो आंकड़े दिए होते हैं, उन आंकड़ों का अलग अलग वर्गों में, वर्ग कैसे, इसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार के भी वर्ग हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित करना, क्रमबद्ध करना, ये आंकड़ों का वर्गीकरण है। अब आंकड़ों का वर्गीकरण हम क्यों करते हैं ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आंकड़े हमारे पास एक मिट्टी के ढेर के समान होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, और केवल उन आंकड़ों को देख लिया जाए तो उनसे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। जब तक कि उन पर काम न किया जाए, उन्हें वर्गीकरण न किया जाए, तब तक उनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। ऐसी स्थिति में जो वर्गीकरण है उसके क्या उद्देश्य होते हैं ये भी समझना आवश्यक है। तो वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण इसलिए करते हैं आंकड़ों की समानता और असमानता को स्पष्ट करने के लिए, उन आंकड़ों को सरल करने के लिए, सरलीकरण के लिए, उन्हें गणना योग्य बनाने के लिए, उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए, उन्हें बोधगम्य बनाने के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लेता है कि वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है, तो वर्गीकरण के उद्देश्य के बारे में हम ये हेडिंग डालेंगे, आंकड़ों की समानता असमानता को स्पष्ट करने के लिए, है आंकड़ों को समझने योग्य बनाने के लिए, उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए, उन्हें सरल बनाने के लिए, उनका संक्षिप्तीकरण करने के लिए, ये सब उद्देश्य हैं आंकड़ों के वर्गीकरण के। अब वर्गीकरण आपने समझ लिया, वर्गीकरण का उद्देश्य आपने समझ लिया, अब तीसरी बात आती है कि वर्गीकरण के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से वर्गीकरण के दो ही प्रकार होते हैं, एक तो गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा संख्यात्मक वर्गीकरण। आप जैसे तो सांख्यिकी में संख्यात्मक वर्गीकरण का ही अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक वर्गीकरण का अध्ययन नहीं किया जाता। तो संख्यात्मक वर्गीकरण से पहले गुणात्मक वर्गीकरण की बात करते हैं, तो गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का अपने आप में होता है, पहला सरल वर्गीकरण और दूसरा बहुगुणी वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण क्या है? सरल वर्गीकरण ये है कि जैसे आंकड़े हैं हमारे पास, कक्षा में मान लीजिए 40 छात्र हैं और उसमें 10 बालिकाएं हैं और 30 उसमें बालक हैं, तो हमने कक्षा की छात्राएं और छात्र दो कॉलम बनाए, तो उन दोनों गुणों के इस गुण के आधार पर हैं, बालक और बालिका गुण के आधार पर, यानी कि एक गुण के आधार पर हमने उसमें दो कॉलम बनाए और उसको जो है अलग अलग दोनों कॉलमों में लिख दिया हैं। या मान लीजिए ऐसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष की जनसंख्या को उसमें हमने बांट दिया, ये हो गया सरल वर्गीकरण। अब दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण क्या है? तो सरल वर्गीकरण के माने आप ये समझें कि जैसे आपने एक कॉलम बना लिया स्त्री का, दूसरा कॉलम बना लिया पुरुष का। इस तरह से मान लीजिए 10 स्त्री हैं और यहाँ पर 15 पुरुष हैं, तो ऐसे बांट दिया हमने, तो ये हो गया आपका सरल वर्गीकरण। दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण में क्या किया, मान लीजिए आपने कोई जनसंख्या यहाँ पर ले ली और जनसंख्या को
दो में बांट दिया, पहला बांट दिया ये साक्षर और दूसरा बांट दिया ये निरक्षर। अब साक्षर को भी दो भागों में बांट देंगे, यहाँ भी स्त्री और यहाँ पर पुरुष, और ऐसे इसको निरक्षर को बांट देंगे स्त्री पुरुष, तो अब ये बहुत सारे गुण हो गए। तो इस तरह का जो वर्गीकरण कहलाता है बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है, ये बहुगुणी वर्गीकरण। दूसरा हमारा है संख्यात्मक वर्गीकरण। अब संख्यात्मक वर्गीकरण क्या होता है? वैसे तो सांख्यिकी में आप जानते हैं कि सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का ही अध्ययन करती है। संख्या के रूप में आंकड़े, संख्या के रूप में आंकड़े कैसे? संख्या के रूप में ऐसे कि संख्या के आधार पर, जैसे मान लो किसी कक्षा है और कक्षा में मान लीजिए 40 छात्र हैं और उनके गणित के प्राप्तांक हमने इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो संख्यात्मक आंकड़े हमारे पास हो गए। इन संख्यात्मक आंकड़ों का हम जब वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण क्योंकि दो विधियां हमारे पास होंगी, एक तो होगी अपवर्गी रीति और दूसरी होगी समावेशी समावेशी रीति। अब अपवर्गी रीति कौन सी होती है? अपवर्गी रीति जो है होती है जैसे हमने वर्ग बनाए उसमें तो जीरो से 10 का एक वर्ग बना लिया, एक 10 से 20 का वर्ग बना लिया, एक 20 से 30 का वर्ग बना लिया। इसमें क्या होता है अपवर्गी रीति में, ये दोनों सीमा है, यानी किसी वर्ग की उच्च सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा, दोनों सीमाएं समान रहती है। इस प्रकार का जो वर्गीकरण है हैं? वो अपवर्गी रीति कहलाती है। वर्गीकरण की रीति कौन सी होगी? ये अपवर्गी रीति। और अगली रीति है हमारी समावेशी रीति। तो समावेशी रीति कौन सी होती है? समावेशी रीति होती है जैसे 0 से 9 हैं? और 10 से 19 और यहाँ 20 से 29, ये समावेशी रीति है। इसमें ये किसी वर्ग की लोअर लिमिट और उससे अगले वर्ग की अपर लिमिट, यानी किसी वर्ग की निम्न सीमा और इससे अगले वर्ग की उच्च सीमा, ये दोनों समान नहीं रहती। इस प्रकार से ये समावेशी रीति कहलाती है। अब समावेशी रीति होने आ गई, अब समावेशी रीति से अपवर्ती रीति हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 से 9 है आंकड़ा और दूसरा हमारा 10 से 19 है, 10 से 19 और तीसरा है हमारा 20 से 29। अब इसको हम समावेशी में बदलें तो ये देखते हैं कि ये 9 है और इधर ये 10 है, तो 9 और 10 का जो अंतर है 1 आया, तो 1 का हम आधा करेंगे तो 0.5 आया। और इस तरह से यहाँ इसमें जोड़ देंगे 0 से 9.5, हालांकि यहाँ घटाया जाता है लेकिन माइनस का हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 9.5 घटा देंगे 0.5 और इसमें फिर 19.5 इसमें जोड़ दिया जाएगा और ये हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा 29.5। इस तरह समावेशी रीति को हम अपवर्गी रीति में भी बदल सकते हैं। ये बदलने का सिस्टम हो गया और इससे संबंधित छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं भी होंगी, उन परिभाषाओं को भी ध्यान देना होगा। इन परिभाषाओं के आधार पर हम इसे और क्लियर कर देंगे। पहली है वर्ग सीमा। ये वर्ग सीमाएं क्या होती हैं ये भी जानना जरूरी है। ये वर्ग सीमाएं जैसे अभी हम वर्ग बना रहे थे हैं, कोई वर्ग है मान लीजिए 5 से 15। अब 5 से 15 हमारा वर्ग है इस वर्ग की, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि वर्ग की प्रत्येक वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, एक होती है निम्न सीमा और दूसरी होती है उच्च सीमा। अब यहाँ एक वर्ग मैंने लिखा है 5 से 15, 5 से 15 में 5 जो है वो निम्न सीमा है और 15 जो है उच्च सीमा है, तो प्रत्येक वर्ग की दो सीमा हो गई, इसको लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट कहा जाएगा। दूसरा वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार क्या है ये भी जानना जरूरी है। वर्ग विस्तार ये होता है कि वर्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार क्या हुआ? वर्ग विस्तार इसका होगा 15 में से 5 घटा दिया जाएगा तो वर्ग विस्तार 10।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अपर लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर वर्ग विस्तार कहलाता है। अगली बात आई हमारी मध्यमान, तो मध्यमान निकालना है तो मध्यमान क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके आधा कर देंगे यानी कि 5 और प्लस 15/2 ये 10 आ जाएगा आपका, इस तरह से मध्यमान निकाल लिया जाएगा। और आंकड़ों में अगली चीज है भारंभारता। भारंभारता के मायने ये है, जैसे मान लीजिए हमने वर्ग बनाया, इस वर्ग में 0 से और 10 के बीच का वर्ग है, 2 आंकड़े आए या 4 आए, यहाँ कॉलम बनाते हैं भारंभारता का, एक तो आंकड़े आए मान लीजिए हमारे 4, तो ये भारंभारता हो, इसे हम वर्ग भारंभारता कहते हैं। अब इसमें और 10 से 20 इतना आंकड़े आए मान लीजिए हमारे 6, तो यहाँ 6 बार भारंभारता हो गई। इस प्रकार से आंकड़ों में कोई पद कितने बार आया है उसको हम भारंभारता कहते हैं। अगली चीज है मान लीजिए भारंभारता बंटन। अब भारंभारता बंटन क्या होता है, भारंभारता बंटन ये चीज हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये आंकड़े दे रखते हैं हमारे लिए और इन आंकड़ों से हमको भारंभारता बंटन तैयार करना है। तो भारंभारता बंटन करने के लिए हमें ये पता है कि इससे वर्ग बनाने हैं, इसके हम सबसे छोटे आंकड़े को देख लेते हैं और बड़े आंकड़े को देख लेते हैं, उसी प्रकार से निर्धारित कर लेते हैं वर्गों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से ज्यादा वर्ग भी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से हमने 0 से 10 और 10 से 20 लेकर के पहले चिन्ह लगाते हुए और इसका भारंभारता बंटन तैयार कर लिया। ये हमारा भारंभारता बंटन है। ये जो रीति है ये रीति अपवर्ती रीति है। अब इसमें भारंभारता बंटन जो तैयार कर लिया हमने, तो ये दो प्रकार से और किया जा सकता है। जैसे संचयी भारंभारता सारणी, संचयी भारंभारता सारणी इसमें दो प्रकार हैं, एक से कम प्रकार और एक अधिक से अधिक वाला। अब से कम वाले में हम क्या करते हैं, से कम वाले में हमने लिखा 10 से कम, और 10 से कम वाले आंकड़े कितने हैं, यहाँ पर 0 तक के आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, भारंभारता 5 है ये, तो 10 से कम वाले में भारंभारता 5 लिखती जाएगी। दूसरा जो हमारा है वर्ग 20 से कम, अब 20 से कम, 20 से कम आंकड़े कितने हैं आप देखेंगे कि यहाँ से ये वाले आंकड़े, ये 20 से कम वाले कितने हो गए, 12 हो। ऐसे ही यहाँ 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 50 से कम नहीं सबके सब आ जाएंगे, 30 का 30 आंकड़ा आ जाए। दूसरा है हमारा से अधिक बारंबारता, से अधिक वाला, तो से अधिक वाला प्राप्तांक यहाँ लिख दिए हमने, जय बारंबारता यहाँ से अधिक 10, 0 से अधिक पहला वर्ग बनाया हमने, 0 से अधिक वाला, तो 0 से अधिक वाले वर्ग में आप देख रहे हैं सगले आंकड़े जो भी हैं वो सब 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक में तो ये 30 आ जाएगा। अब कहा जाएगा कि 10 से अधिक वाले कितने हैं, तो 0 10 के बीच में जितने आंकड़े आए थे उतने आंकड़े छोड़ दिए जाएंगे। यहाँ 0 से अधिक में हम देख रहे हैं 10 से 10 तक के आंकड़े हमारे पास कितने थे, 5 थे। अब 10 से अधिक वाले लिख रहे हैं, तो इन 5 को उसमें से माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, और बाकी के जो आंकड़े हैं 7 और 6 13 7 20 5 25 से अधिक बार होंगे। अगला हमारा 20 से अधिक है, और 20 तक के जो हमारे आंकड़े हैं उन्हें हम कम कर देंगे, 20 तक का मतलब है 5 7 12 और 6 18 कम हो जाएंगे 30 में से, तो ये 20 से अधिक वाले पूछा है, 20 से अधिक वाले पूछा है, 20 से अधिक वाले ये नीचे वाले आंकड़े सब आ जाएंगे, 6 7 13 और 5 18 ये 20 से, ऐसे 21 से अधिक में आ जाएंगे, ऐसे 40 से अधिक में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से संचय बारंबारता यहाँ पर कभी आपको यदि वर्ग अंतराल में ऐसा दिखाई दे कॉलम में से कम वाला, तो आपको समझना चाहिए कि संचय बारंबारता सामने दी गई है, या से अधिक वाला दिया जाए तो भी ये मानना चाहिए, अभी ये मानना क्या, ये है ही कि ये संचय बारंबारता दी गई है, लेकिन
प्रश्न हल करने के लिए इस तरह के आंकड़े यदि कभी हमारे सामने आएंगे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले इस सारणी से पहले ये सारणी वारंवारता वाली बनाई जाएगी तब उस पर कोई काम शुरू किया जाएगा, तब उससे कोई चीज ज्ञात की जा सकती है। आज इस तरह की चीजों को जो पॉलिटिकल चीजें हैं इन सबको अध्ययन करेंगे।